बागे घाई दे क्या घाई दे क्या घर आ गया गुब को पान बना रख की हुई लगा में हुई ताकि पीछा जब ताकि दीदी बार दिने भाई एक रो दिने भाई इसे दियो काटे क्या आज जबन में यो भाई ने क्यों दंगा वो मारी सतरा आठ दिन आ रहा आज जबन में ये तो हमी दाहर है हमली दादी बोली है उस टाइम पर खाने के लिए नहीं होता था, चावल नहीं होते थे, गेहूं भी नहीं होता था, वो मोटा अनाज मादिरा और ज्वार बाजरा ये चीज़ें रहती थी, उसमें भी पानी डाल डाल के उसका घोट बना के और घास सब्जी हरी सब्जी ये बना के, नमक भी नहीं मिलता था, तो वो खा के दादी ने अपना जीवन व्यतीत किया है। तभी जाके दादी आज 110 साल एज न शरीर में पहनने के लिए कपड़े, हाँ न साबुन भी नहीं मिलता था बोलती दादी। तो अमा साबुन नहीं मिलता था तो आप क्या करते थे, कपड़े कैसे धोते थे? दादी रो भी रही है, दादी बोल रही है कि पहले टाइम पर साबुन भी नहीं मिलता था और जो एक गांव में रामबांस नाम के एक पेड़ होते थे तो उसको काट के कपड़े धोते थे। दादी रोना आता है आपको? रोना रोना भी आता है कभी कभी पुरानी बातें याद करके? अरे देखो एक नाता लाइन घर बजे सर्दी बोलो ना आ गया ना घर में काम है तो कभी एक कम है नहीं। दादी का एक आंख का ऑपरेशन हुआ है, वो लेंस से चमक रहा है और दादी कान तो बिल्कुल नहीं सुनती हैं, लेकिन दादी से थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है। दादी अपने पुराने जवानों को कभी कभी याद करके रो जाती है। आज लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आज लोग पूरा एक दूसरे से अलग हैं, लोग बड़े बड़े बंगलों कोठियों में और बड़े बड़े फ्लैटों में रह रहे, उनको पता नहीं रहता है, अपने पड़ोसी के बारे में पता नहीं रहता है, अपने आसपास में कौन रहता है वो पता नहीं, इतना बिजी हो गया इंसान की लाइफ अपनी लाइफ पे। लेकिन बट दादी की बातें सुनकर ऐसा मेरे को फील होता है, काश वो दिन आज भी होते, काश वैसा ही माहौल आज भी होता। दादी तो आपके पहले दिन अच्छे थे, अब के अच्छे हैं? दादी बातें कर करके रो भी, मन में रो भी रही हैं और बोल रही हैं बेटा अभी तो सब कुछ सुविधाएं हैं, खाने के लिए हैं पीने के लिए, फिर भी लोग बीमार हैं चल नहीं पाते हैं, लेकिन दादी अभी